हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। गाइस, इस खबर को सुनने के बाद तारक मेहता शो के सभी फैंस शॉक्ड हैं। गाइस, कुछ टाइम पहले सैलिस लोडा, जो कि तारक मेहता शो पिछले करीब 14-15 सालों से प्ले कर रहे थे, उन्होंने इस शो के प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी के ऊपर केस कर दिया। जी हाँ गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना। सैलिस लोडा शो को छोड़ने के बाद इतने टाइम से चुप्पी साधे हुए थे। कई सारे लोगों ने उनसे पूछा भी था कि आपने शो को क्यों छोड़ा, आप इस शो के अंदर शुरू से ही जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा किरदार प्ले कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको इस शो को छोड़ना पड़ा। लेकिन किसी भी ओकेजन पर, किसी भी मौके पर, किसी भी तरीके से सैलिस लोडा ने इस बात को रिवील नहीं किया कि उन्होंने इस शो को क्यों छोड़ा है। लेकिन हाल ही में सैलिस लोडा ने तारक मेहता शो के फैंस को और ख़ास तौर पर आशित कुमार मोदी को चौंका दिया। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सैलिस लोडा शो के प्रोड्यूसर और तारक मेहता शो की टीम के ऊपर केस कर देंगे। गाइस, इन सबके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि सैलिस लोडा, जो कि इतने टाइम से शो के अंदर काम कर रहे थे। पिछले 6 महीने की फीस तारक मेहता शो की टीम ने सैलिस लोडा को नहीं दी थी और इन्हीं सब के चलते सैलिस लोडा ने इस शो को छोड़ा है। हालांकि तारक मेहता शो के जो मैनेजमेंट देखते हैं सोहेल रमानी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि सैलिस लोडा हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें बहुत टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमेल के जरिए, फ़ोन नंबर के जरिए, लेकिन शो को छोड़ने की कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, कुछ कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई होती है जो कि सैलिस लोडा को करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए सैलिस लोडा हमारे पास नहीं आ रहे हैं और इन सब के चलते हम उन्हें पूरा पेमेंट कैसे कर दें। एक क्लोजर होता है जो कि साइन करना होता है, वो सैलिस लोडा ने अभी तक साइन नहीं किया है। अब गाइस, यहाँ पे कौन सही है कौन गलत, इस बात की जानकारी हमें कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। वेल गाइस, आपके इन सब पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।